देख लो सबसे पहले, एक तो ये पैरेलल लाइन है, देख रहे हैं कि नहीं? ये लाइन क्या है? पैरेलल है। अब ये एंगल 60 का बन रहा, तो ये कितने का होगा? 60 का होगा कि नहीं? यानी कि ये एंगल एक्स कितना हो गया? 60 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल, ठीक है? क्या है? अल्टरनेट एंगल। अब आप देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा ऐसा बना है और ये टू लाइन है, यानी इंडिकेट कर रहा बोथ आर साइड इक्वल, तो ये क्या होंगे? एंगल इक्वल हो गए कि नहीं? तो हमने यहाँ एंगल ले लिए क्या? ए, ठीक है? इसको क्या एज्यूम कर लिया? ए। तो क्या हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 60 प्लस टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। या टू एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60। टू एंगल ए क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। एंगल ए क्या हो जाएगा? 120 बाई टू। एंगल ए क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक। अब हमको क्या चाहिए है? वाई की वैल्यू चाहिए है। तो वाई की वैल्यू क्या होती है? अगर हम इसको देखेंगे तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल वाई क्या हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस एंगल ए। क्यों? ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो एंगल वाई क्या हो जाएगा? एक्स कितना था? 60। ए कितना है? 60। तो वाई कितना हो जाएगा? 120। लो ये नोट कर लो, इतना सब था, क्लियर है? चलो नेक्स्ट एंगल, ठीक। अब ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये एंगल भी कितना होगा? 70 डिग्री का। एक्स नहीं, 70 डिग्री का। ये साइड इक्वल है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 70 प्लस 70 प्लस एक्स क्या हो गया? 180 डिग्री। या यहाँ पे कितना? 140 प्लस एक्स कितना? 180 डिग्री। या एक्स क्या हो गया? 180 माइनस 140। एक्स कितना हो गया? 40 डिग्री। 40 डिग्री, आगे समझ? यस सर, ठीक है। ये निकल आई एक्स की वैल्यू। अब देखो ये आर्म एंड ये आर्म इक्वल है कि नहीं है? ये आर्म एंड ये आर्म इक्वल है या नहीं? यस सर, यस सर, ठीक है। ये एंगल भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, यस सर, इक्वल, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पे देखो 70 डिग्री का है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा, यस सर। क्या होगा? क्या बन रहा है यहाँ पे? सप्लीमेंट बन रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 110 का। क्यों हो जाएगा? सप्लीमेंट्री है या लीनियर पेयर होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। या टू एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 110। या टू एंगल वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 70 डिग्री। या एंगल वाई क्या हो जाएगा? 70/2। एंगल वाई क्या हो जाएगा? 35 डिग्री, ठीक है? यस सर, आगे समझ में? कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। चेक कर लो आंसर। नो सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो सबसे पहले तुम पहले इसको देखा करो, ये टू लाइन पे है, टू लाइन पे, टू लाइन पे, यानी कि यहाँ पे ये जो इतना एंगल बना है ये कौन सा बना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। अब इसके बाद जो सेकंड एंगल है ये वाला, ठीक है, ये इतना हिस्सा। अब यहाँ पे ये देखो ये क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसको हम ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला एरिया निकालते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? सच दैट एंगल ए प्लस एंगल ए, ठीक, प्लस 100 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 180। तो क्या हो जाएगा? टू एंगल ए प्लस 100 इक्वल टू 180। टू एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। एंगल ए कितना हो जाएगा? 80/2, यानी कि 40 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया? 40 डिग्री। और ये इतना हिस्सा कितना था? 60 डिग्री।
तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 60 एंगल ए प्लस 60 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। सेम ऐसे ही एंगल वाई क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका ए है, तो एंगल ए प्लस ये क्या था 60 डिग्री यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, आंसर यही है। Yes, yes, sir. Answer is x y y तो ये इसलिए बना दिए। चलो नोट करो इसको फास्ट। तुम लोग थर्ड वाला ट्राई करो, थर्ड वाला ट्राई करो जब तक हम इसको बताते हैं।